आप इनमें से किसी भी प्रकार की आउटफिट पहने, व्हाट आर दोस सटल पॉइंट्स जो कि आउटफिट को और एनहांस करेंगे और स्टाइलिश दिखाएंगे विदाउट पुटिंग मच एफर्ट। फर्स्ट इज द फेस्टिवल्स आर द बेस्ट टाइम जब हम अपने कलेक्शन में ऐसे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं जो कि हम जनरली नहीं खरीदते, द थिंग्स विच आर अ बिट अनकन्वेंशनल, विच आर अ बिट एजी बट दे लुक वेरी गुड। सो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि स्टाइलिश हैं, जो कि एथनिक हैं, जो कि इस फेस्टिव सीजन में आप पे जचेंगे भी एंड दे विल बी अ गुड फिट इन योर एग्जिस्टिंग कलेक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कनिष्क एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टाइल फॉर लाइफस्टाइल। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इस वीडियो में मैं अपने जितने भी प्रीवियस वीडियोस का रेफरेंस दूंगा उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जहां पे सेम नेम से मेरा हैंडल है। ये बहुत ही फैशनेबल और एथनिक अटायर है इफ यू नो कि आपको इसे कैसे स्टाइल करना है। लेट्स स्टार्ट विद धोती। धोती का चार्म उसकी फोल्ड और उसका ड्रेप होता है और इसकी इस खूबी को कोई और परिधान मैच नहीं कर सकता। अनलाइक व्हाट मोस्ट मेन थिंक, आप इसे बहुत ही इजीली पहन सकते हैं। मार्केट में आजकल बहुत से रेडीमेड ऑप्शंस भी मिल रहे हैं जिसे आप किसी भी लोअर की तरह पहनेंगे बट इट विल गिव यू द सेम लुक जो कि एक रेगुलर धोती से आती है। आप धोती किस कलर की पहन रहे हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने आउटफिट का मेन अट्रैक्शन किसे रखना चाहते हैं। अगर आप धोती को मेन अट्रैक्शन रखेंगे तो उसको एक प्रिंटेड या एक वाइब्रेंट कलर लीजिए, बट इफ़ यू वांट कि कुर्ता शुड बी द मेन पीस ऑफ द आउटफिट तब धोती एक सटल कलर की रखिए या उस कलर की रखिए जो कि कुर्ते के साथ मैच करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आउटफिट का सेंटर पीस एक कुर्ता बने, देन गो फॉर अ प्रिंटेड कुर्ता और अ कुर्ता विद अ वाइब्रेंट कलर। वैसे भी फेस्टिवल सीजन में वाइब्रेंट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, दे गो विद द इंटायर एम्बियंस। और ये एक ऐसा समय है कि जब एक लाउड शेड और अ प्रिंट और अ कलर आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता। प्रिंटेड कुर्ते की खास बात ये भी होती है कि वो अपने आप में ही एक एक्सेसरी होता है। इसे पहनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसरी पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। इट विल एड अ रश ऑफ कलर एंड अ स्टाइल इन योर इंटायर लुक। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट आउटफिट टाइप। मैंने अपने बहुत से प्रीवियस वीडियोज़ में इसका रेफरेंस दिया है, इसके ऊपर मैंने एक इंटायर वीडियो भी बनाया है। इंडियन हाफ जैकेट जिसे नेहरू जैकेट, मोदी जैकेट, बंडी, सदरी कहते हैं, वेस्ट में इसे इंडियन हाफ जैकेट कहते हैं। जब यही चीज़ वुमेन पहनती हैं तो उसे कोटी कहा जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मल्टीपर्पज थिंग्स जो कि आपके पास ज़रूर ज़रूर होनी चाहिए। चाहे आप एक प्लेन कुर्ता पैजामा पहने, चाहे आप जीन्स के ऊपर कुर्ता पहने, चाहे आप एक फॉर्मल शर्ट और ट्राउज़र पहने, हर आउटफिट के साथ ये मैच होता है, हर आउटफिट को ये अपग्रेड करता है। दिस इज़ वन थिंग जो कि आपके कलेक्शन में ज़रूर ज़रूर होना चाहिए। अगर आप एक फेस्टिव सीज़न के लिए लेते हैं तो यू कैन गो विथ अ प्रिंटेड पीस। अगर आप एक ऐसा हाफ जैकेट लेना चाहते हैं जिसे आप बाद में भी पहन सकें, सो गो फॉर अ सटल कलर एंड अ सिंपल पैटर्न। दिस टाइम ऑफ द ईयर जब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है उस समय ये आपको थोड़ा सा वार्म भी रखता है, ये आपको कंफर्टेबल भी रखता है और ये आपको बहुत ही स्टाइलिश प्रोजेक्ट करता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास बहुत से एथनिक आउटफिट हैं और इस बार आप कोई और ऐड नहीं करना चाहते, सो देर आर टू ऑप्शन जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज द शॉर्ट कुर्ता एंड सेकेंड इज द प्रिंटेड शर्ट। शॉर्ट कुर्ता टेक्निकली एक कुर्ता होता है जिसकी लेंथ शॉर्ट होती है। ये कन्वेंशनल कुर्ता से थोड़ा सा अलग होता है बट इट विल ब्लेंड यू वेल इन दिस इंटायर फेस्टिव सीजन। प्रिंटेड शर्ट इज नॉट एग्जैक्टली एथनिक पर ये ग्रेट ऑप्शन होता है अगर आप कुछ अलग या अनकन्वेंशनल इस बार ट्राई करना चाहते हैं। उस शर्ट का प्रिंट कितना बड़ा है, कितना बोल्ड है, कितने उसके यूनिक कलर्स और फीचर्स हैं, दिस इज़ इंटायरली योर चॉइस। दोनों ही ऑप्शंस की सबसे अच्छी बात होती है कि ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। दे ब्रेक द मोनोटनी ऑफ अ कन्वेंशनल एथनिक आउटफिट। दोनों की रिपीट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इवन आफ्टर द फेस्टिवल। तो ऐसा नहीं है कि ये फेस्टिवल के बाद क्लोजेट में चला जाएगा और अगले साल आप फिर से निकालेंगे। इनको आप मल्टीपल अदर ओकेजन्स में पहन सकते हैं। सो बोथ दीज ऑप्शंस कीप यू ट्रेंडी एंड दे आर इन ट्यून विद द ट्रेडिशनल लुक एंड फील।
अगर आप रियली अपने स्टाइल गेम को अप करना चाहते हैं और आप कुछ ऐसी चीज पहनना चाहते हैं जो कि आपको एक रॉयल और एक एलीट टच दे अलोंग विथ बीइंग ट्रेडिशनल, गो विथ जोधपुरी ब्लेजर विथ अ ट्राउजर। इंडियन एथनिक वेयर में वन ऑफ द मोस्ट रॉयल आउटफिट्स इज अ जोधपुरी सूट, जो कि कंप्राइज करता है जोधपुरी जैकेट के साथ में ट्राउजर्स पे। जहां जोधपुरी सूट में हम सेम फैब्रिक कलर और डिजाइन का जैकेट और ट्राउजर पहनते हैं, यहां पे हम सिर्फ जोधपुरी स्टाइल का ब्लेजर लेंगे एंड वी विल पेयर इट विद अ डिफरेंट कलर ट्राउजर। जब भी आप इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसमें आपका मेन फोकस जैकेट होता है एंड ट्राउजर ओनली हेल्प्स एज अ बेस ऑफ द आउटफिट। एंड कीपिंग द फेस्टिव स्पिरिट इन माइंड, यू कैन गो विद कलर्स लाइक ब्लैक, इलेक्ट्रिक ब्लू, बर्गंडी और इवन अ प्रिंटेड ऑप्शन। क्योंकि इसमें हमारा मेन फोकस जैकेट में रहता है, इसीलिए लोअर का कलर कैन ईदर बी ब्लैक और अ वाइट और एनी अदर सटल कलर। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे तीन पॉइंट्स जो कि आपके आउटफिट को और स्टाइलिश कर देंगे बहुत ही सटल तरीके से एंड विदाउट मच एफर्ट। फर्स्ट इज दी सिमेट्री। सिमेट्री मतलब किस एंगल में, किस लाइन में आपके बटन लगाए गए हैं, एम्ब्रॉयडरी की गई है और आपके जैकेट या कुर्ते के बेस को कट किया गया है। मेजर डिफरेंस बिटवीन एन इंडियन आउटफिट एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट इज प्राइमरली द डिज़ाइन और द सिमेट्री ऑफ द आउटफिट। इसके ऊपर मैंने एक इंटायर वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इंडो वेस्टर्न आउटफिट के बारे में बात की है। इफ़ यू कम अक्रॉस एन आउटफिट, अ जैकेट और अ कुर्ता जिसमें सिमेट्री थोड़ी सी अलग है, जिसमें बटन्स की पोजिशनिंग थोड़ी चेंज्ड है, गो अहेड विद इट। ये आपके आउटफिट में एक अलग चार्म, एक अलग जिंग लेके आता है, इवन इफ यू आर वेयरिंग समथिंग वेरी सिंपल एंड सोबर। सेकेंड आर दी फुटवेयर। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन का आउटफिट लें, मैं आपको चार प्रकार के फुटवेयर सजेस्ट करता हूँ, इनमें से आप कोई भी पहने बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट आर जूतीज, सेकेंड आर कोल्हापुरी, ये दोनों ही ट्रेडिशनल इंडियन फुटवेयर हैं। इसके अलावा देर आर टू वेस्टर्न फुटवेयर जो कि हमारे एथनिक आउटफिट और सेंसिबिलिटीज को मैच करते हैं। वन आर लोफर्स एंड सेकेंड आर मॉन्क स्ट्रैप शूज़। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में लोफर और मॉन्क स्ट्रैप दोनों को एक्सटेंसिवली कवर किया है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। इन चारों ऑप्शंस में आप कुछ भी चूज करें, इट विल गो वेल विथ ऑल द आउटफिट जो कि मैंने इस वीडियो में बताए हैं। एंड थर्ड एंड प्रोबेबली द मोस्ट इम्पैक्टफुल फीचर इज वेयरिंग अ पॉकेट स्क्वेयर। पॉकेट स्क्वेयर उस छोटे से हैंकी के साइज के एक्सेसरी को कहते हैं जिसे आप जैकेट के लेफ्ट टॉप पॉकेट में इंसर्ट करते हैं। इसे इस तरीके से रखा जाता है कि इसका एक छोटा सा पार्ट बाहर निकल के आए एंड दिस स्मॉल थिंग और दिस सीमेनली स्मॉल थिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर इंटायर आउटफिट। मैंने पॉकेट स्क्वायर के ऊपर भी वेरियस वीडियोज बनाए हैं, आप उसके डिटेल उसमें ले सकते हैं। बट दीज थ्री पॉइंट्स विल जस्ट एड टू द लुक एंड दे विल इन्हेंस द लुक ऑफ योर आउटफिट। इनको ट्राई कीजिए, इनको फॉलो कीजिए एंड लेट मी नो हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा एंड एज ऑलवेज टेक केयर एंड स्टे स्टाइलिश।